आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिसको किसी भी सॉल्यूशन में स्टार्च या ग्लाइकोजन की मौजूदगी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास कोई अननोन सॉल्यूशन हो और आप ये पता लगाना चाहते हो कि क्या इस सॉल्यूशन में स्टार्च मौजूद है या नहीं, तो आयोडीन टेस्ट के जरिए आप इस बात का पता लगा सकते हैं। आयोडीन टेस्ट के लिए आपको आयोडीन रिएजेंट की जरूरत होती है। आयोडीन रिएजेंट आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड को एक मखसूस प्रोपोर्शन में पानी में हल करके तैयार किया जाता है। यह आयोडीन रिएजेंट ना सिर्फ स्टार्च टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसको एक बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कोई कट लग जाए या खेलते कूदते हुए चोट लग जाए, जख्म आ जाए, तो आपने देखा होगा कि घर में फर्स्ट एड बॉक्स में ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन मौजूद होता है जो कि उस चोट पे या उस ब्रूज पे लगाया जाता है। यह ब्राउन कलर का सॉल्यूशन असल में आयोडीन रिएजेंट है जिसमें आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड मौजूद होते हैं। इस टेस्ट को करने का तरीका कुछ यूं होता है कि जो भी सॉल्यूशन जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, उस सॉल्यूशन में चंद कतरे, 3-4 कतरे आयोडीन रिएजेंट के डाल दीजिए। अगर इस सॉल्यूशन में स्टार्च मौजूद होगा तो फौरी तौर पर ब्लू कलरेशन डेवलप हो जाएगी, आपका पूरे का पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। और अगर इस सॉल्यूशन में ग्लाइकोजन मौजूद होगा तो रेड कलरेशन डेवलप हो जाएगी, आपका पूरे का पूरा सॉल्यूशन सुर्ख रंग का हो जाएगा। और अगर आयोडीन रिएजेंट डालने के बाद भी सॉल्यूशन में कोई कलर डेवलप ना हो, तो इससे साबित होगा कि इस सॉल्यूशन में स्टार्च या ग्लाइकोजन मौजूद नहीं है। सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन सेल्यूलोज की मौजूदगी को आयोडीन टेस्ट के जरिए पता नहीं लगाया जा सकता, जाहिर नहीं किया जा सकता। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहां पर आयोडीन रिएजेंट आपको नजर आ रहा है, और अगर इस आयोडीन रिएजेंट में थोड़ा सा स्टार्च भी डाल दिया जाए तो ब्लू कलरेशन डेवलप हो जाएगी जो कि पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट होगा स्टार्च की मौजूदगी के लिए। इस टेस्ट को आप घर पे भी कर सकते हैं, और घर पर करने के लिए आप कोई भी पत्ता लीजिए। हम जानते हैं पत्तों में स्टार्च काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। इस पत्ते को ग्राइंड कीजिए और ग्राइंड करके जो पेस्ट बनेगा इसमें थोड़ा सा आयोडीन रिएजेंट डाल के देखिए, ब्लू कलरेशन डेवलप हो जाएगी जो कि पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट होगा।